वाकई जो सच्चा संगीत है उसको प्रमोट करें, ना कि रटने के प्रति कि सिर्फ गाने सिखा दिए चार, या फिर चार चीज़ें रटवा दी, चार है ना बातें बता दी और वो किताबी ज्ञान दे दिया और वो, ना कि आपके अंदर से उपजाया कि नहीं तो नया क्या हुआ, वरना वही चार गाने आपने गाए वही तो पुराने गा दिए, तो वो डेवलप क्या हुआ है ना। तो मैं फील की बात कर रहा था और आपको नॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो बेसिक आपको आ गया मान लो तो यू कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। ख्याल आया, क्लासिकल में गाने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्लासिकल का बेसिक समझने की बात कर रहा हूँ। अगर आप बेसिक समझ जाते हैं तो आप शराब को ज्यादा अच्छे से खिला सकते हैं। संगीत धारा SPW एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग घर बैठे संगीत सीख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी सभी को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मैं फिलहाल के लिए आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ ताकि एक बार डिस्टरबेंस नहीं हो, उसके बाद मैं एक वो परमिशन यहाँ से अलाउ कर दूंगा, है ना। जी अभी मैंने सभी को म्यूट कर दिया है, जो भी एक एक करके इसमें आ रहे हैं गेस्ट उनको हम ऐड करते जाएंगे। मेरे ख्याल से कुलदीप जी भी हमारे साथ ही हैं, अभी जुड़ चुके हैं। आलाप म्यूज़िक एकेडमी के नाम से जुड़े हुए हैं वो, आप सभी देख सकते हैं, मैंने पिन कर दिया है स्क्रीन पे। सर कुलदीप सर, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, मैंने यहाँ से अनम्यूट करवा दिया है आपको, एंड आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि सभी को विदित है, सभी को मालूम है, ये संगीत धारा जो ऐप है हमारा संगीत प्रवाह वर्ल्ड का, उसके अंडर ये क्लास हो रही है। अभी हर सैटरडे को एक फ्री सेशन होता है शाम का, तो ये वही सेशन है। और आज हम सभी के साथ में कुलदीप जी जुड़े हुए हैं, इनका ज़रा मैं आपको परिचय एक बार दे दूं। कुलदीप जी हमारे साथ हिंदुस्तानी क्लासिकली ट्रेंड आर्टिस्ट हैं, और आप सभी को आज ये क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में ही बताएंगे, ज्ञान देंगे, चर्चा करेंगे, उसी पर आपके जो भी सवाल होंगे शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड वो आप इनसे कर सकते हैं। इनकी वर्कशॉप है आज ये हमारे लिए। और एक सबसे पहले मैं वो चीज़ कहना चाहूँगा जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मेरे पिताजी को भी काफ़ी अच्छी लगी, और शास्त्रीय संगीत की बहुत अच्छी चीज़ है, ये खासियत है शास्त्रीय संगीत वालों की, कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक फ्री सेशन है, आप सभी लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं, निःशुल्क सेशन है। तो कुलदीप जी ने भी हमारा इस में पूरा सहयोग दिया है, और इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल, इतने व्यस्त हैं ये ऑलरेडी, इनकी खुद की क्लासेस चलते हैं, इंस्टीट्यूट है और ख़ुद एक आर्टिस्ट हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट ही अग्रीड टू यू नो जॉइन अस दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, संगीत धारा ऐप पर ये हमारे साथ जुड़े, और वो भी निःशुल्क सेवा यहाँ प्रदान कर रहे हैं। तो आई गेस आप सभी इस चीज़ को अप्रिशिएट करें एंड और फ़ायदा उठाइएगा इस चीज़ का, और बिल्कुल आप क्या बोलते हैं इनकी इस सेवा का, यू नो मेक इट वर्थ, आप सभी इस जानकारी का, इनके ज्ञान का आप प्लीज़ इसे वर्थ बनाइएगा, आपके सवालों के साथ, और आप जो भी ये नॉलेज दें उसको आप उसी पूरे हृदय से रिसीव कीजिएगा, जिस मन से, जिस श्रद्धा से इन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा है और उसको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले आई यू नो रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज यू नो टू हिम, क्योंकि इन्होंने संगीत प्रवाह वर्ल्ड को, जो हमारा मकसद है कि जो विश्व को संगीत सिखाने का, उसी में ये आज हमारे साथ जुड़े हैं। और हम लोग भी क्योंकि निशुल्क हमने शुरू किया था संगीत प्रवाह वर्ल्ड के चैनल पर, और आज भी हम वहाँ पर निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, ताकि शास्त्रीय संगीत जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग सीखना चाहते हैं, सब लोग लाइट और बॉलीवुड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और ऐसे में शास्त्रीय संगीत आप लोग सीखने बैठे हैं यहाँ, और कुलदीप जी भी हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, ये चेन्नई में सिखाते हैं, और AR रहमान सर की जो एकेडमी है वहाँ पे, KM जो एकेडमी है उनका, वहाँ पे पिछले 7 साल से ये अपनी सेवा दे रहे हैं, वहाँ ये सिखा रहे हैं, एंड ही इज़ अ PhD होल्डर फ्रॉम इंटरनेशनल तमिल यूनिवर्सिटी एज वेल, USA से। तो आई गेस आप सभी लोग और हमारे लिए भी बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि इतने गुणी जन आज हमारे बीच मौजूद हैं, कुछ ही देर में ये जुड़ जाएंगे, आप इनका जो लोगो तो देख ही सकते हैं, इनकी जो अकेडमी है। तो आज शास्त्रीय संगीत के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे, कुछ आपकी बातें, कुछ इनके जो जवाब आपको मिलने को, जानने को मिलेंगे। इनकी जो अकेडमी है आलाप म्यूज़िक अकेडमी, ये भी चेन्नई में ही है, और पिछले 15 सालों से अकेडमी में पंडित जी अपना यू नो शिक्षा दे रहे हैं, अपनी संगीत की ट्रेनिंग आप सभी तक पहुँचा रहे हैं।
सो आज की ये जो क्लास है ये बेसिकली यूँ है कि शास्त्रीय संगीत में जो बेसिक होता है, यानी कि यूँ कहें कि बुनियादी जो चीज़ें हैं, ग्रामर जो है, व्याकरण जो है, वो क्यों ज़रूरी है सीखना, आज उस पर ये चर्चा करने जा रहे हैं। सो मेरे ख्याल से सर जुड़ चुके हैं, अनम्यूट भी हो चुके हैं। सर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना वीडियो भी ऑन करें और सभी लोगों को यू नो दर्शन दें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर। I hope that I am audible to all. Very clearly, sir. सबको मेरा नमस्कार। हाँ पहले you can continue then I can start, no issue. नहीं सर मेरा मैंने आपका बस इंट्रोडक्शन देना था जो आप सभी सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं होपफुली। वैसे अभी 55 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। आई होप थोड़ी थोड़ी देर में हम कंटिन्यूसली इस लिंक की शेयरिंग हो रही है और लोग आते ही जा रहे हैं, जुड़ते ही जा रहे हैं। तो आप सर शुरू कर सकते हैं अपना सेशन एंड बाकी सभी लोगों से दरखास्त है, अभी वैसे तो मैंने सभी को यहाँ से म्यूट कर रखा है ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो बीच में। एंड आप पूरे ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा बिकॉज आई नो ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है क्योंकि जैसी सर की शख्सियत है शास्त्रीय संगीत को लेके तो मेरे ख्याल से वो फ्रूटफुल होना ही होना है। ठीक है सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन को कि इन्होंने मुझे इस बात के लिए चुना कि मैं संगीत पे दो शब्द कहूँ और मैं कहने की कोशिश भी करूँगा। और इतना अच्छे सब्जेक्ट को लेकर के और इतना अच्छे उद्देश्य को लेकर के ये संस्था आगे बढ़ रही है, मैं परमपिता परमेश्वर से ये दुआ करूँ और माता रानी से भी कि वो इन्हें अपने मकसद में कामयाबी दे और ये जो इन्होंने सोचा है और जिस उद्देश्य को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं ये बढ़ते रहें। और ख़ासकर पंडित अवध किशोर पांडे जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ऑफर दिया और क्योंकि मैं फ्री भी था और मुझे लगा कि ये एक अच्छा काम है। इसमें जनरली मैं ऐसे काम करता नहीं हूँ लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि ये काम अच्छा है तो अच्छाई में अच्छाई करने की कोई बुराई भी नहीं है, तो मैंने इसलिए आप लोग के सामने हूँ। जो भी टूटा फूटा मैं बोल सकता हूँ या गा सकता हूँ वो जरूर बताऊँगा। तो जैसे कि सब्जेक्ट आज का इन्होंने रखा है कि फंडामेंटल ऑफ म्यूजिक, मतलब बेसिक जो म्यूजिक में है वो क्यों ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए इसको। देखिए सिंपल सा मैटर है कि हम भारतवर्ष में हैं और यहाँ पर अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, एक दो नहीं, हिंदी। मैं तमिल एरिया में हूँ, मैं चेन्नई बेस्ड हूँ, मेरा अपना एकेडमी यहाँ, जैसा आप जानते हैं इन्होंने बताई दिया, तो यहाँ पर लोगों को हिंदी पता ही नहीं, जानती ही नहीं। तो ऐसी कई सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, लैंग्वेज आप भी जानते हैं, लेकिन हर लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको उसकी ABCD या उसका अल्फ़ाबेट या उसका I तो सीखना ही है, उसके बिना तो गुजारा है नहीं। आप डायरेक्ट किसी वर्ड की तरफ नहीं जा सकते या कोई शब्द को नहीं सुन सकते या आप अपने बातों को व्यक्त नहीं कर सकते बिना लैंग्वेज के। वही संगीत में भी है, संगीत एक लैंग्वेज ही है एक्चुअली। सिंगर क्या करता है, कोई भी सिंगर हो, चाहे वो लाइट म्यूजिक का सिंगर हो या क्लासिकल हो या फोक हो या कोई भी हो, सिंगर अपनी फील को, अपनी भावनाओं को, अपने थॉट्स को सुरों के माध्यम से ऑडियंस तक लेके जाता है। तो मेरी ये सोच है कि संगीत एक प्योरली एक लैंग्वेज है जिसको सीखने के ली आपको उसका ABCD तो करना ही पड़ेगा, आपको या हमको सबको, और करना भी चाहिए। जिस तरीके से हम लैंग्वेज नहीं सीख सकते बिना ABCD के, वैसे हम म्यूजिक भी नहीं सीख सकते। हम कोई भी सिंगर जब अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है तो वो सुरों के माध्यम से करता है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ आपसे तो मैं आई सीखने के बाद एक सेंटेंस बना के आपको बोल रहा हूँ। तो अल्टीमेटली बात यह हुई कि अगर हमको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है तो किसी लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा और हम म्यूजिक का सहारा लेते हैं क्योंकि हम म्यूजिशियन हैं। एक सिंगर
अपने अपने थॉट्स को आलाप के माध्यम से, सुरों के माध्यम से, बोल बनाओ से, उसके बहलावा से, उसके उसको बहलावा करके, उसमें उसमें गमक डाल के, उसमें सूद डाल के, उसमें मीड़ डाल करके ऑडियंस को बताना चाहता है कि मेरे अंदर ये फील है, मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, या मैं आपको ये प्रूव करना चाहता हूँ कि साहब देखिए बारिश हो रही है, या साहब दर्द हो रहा है, या मैं खुश हूँ। तब तो हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में खुशी के अलग गाने हैं, दुख के अलग हैं, शादियों के अलग हैं, हर फेस्टिवल के हमारे पास में संगीत है। तो इतना विस्तृत संगीत हम लोग के पास है कि हम संगीत के माध्यम से सब कुछ बातें कहना चाहते हैं। अब इनकी जरूरत क्या थी? आप एक बार सोच के देखिए, जब हमारे परिवारों में, जब पहले के जमाने में शादियां होती थी, अभी भी करते हैं, मेरे फैमिली में तो अभी भी होता है, तो जब शादियां हुई तो शादियों के अलग 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 रस्मों के भी गाने हैं। जब किसी दूल्हा या दुल्हन को जब चंदन लगता है, या उनको जब तैयार किया जाता है, उसका एक अलग गाना है। होली का गाना अलग है, जिसको हम होली बोलते हैं। कजरी अलग है, कजरी गीत के प्रकार है, कजरी भी। होली अलग, मांड अलग, ये सब अलग अलग सीजनेबल भी हमारे पास गाने हैं। फोक में भी है और क्लासिकल में भी है। तभी तो आपने कभी ऐसा सुना कि मल्हार राग में किसी ने रोमांटिक गाना गा दिया हो? नहीं सुनेंगे आप ऐसा, कोई राग ऐसा, कोई ऐसी कोई बंदिश नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मल्हार राग सब वर्षा ऋतु में ही गाई जाती है। तो उसमें आप देखना, हमेशा वर्षा ऋतु का ही वर्णन मिलेगा आपको। या तो सावन की बात होगी, या बूंदों की बात होगी, या बादल की बात होगी, या बिजली की बात होगी, या बिजली कड़कने की बात होगी, कुछ इस तरीके से होगा कि रिलेटेड टू स्वर है। मतलब बात ये कहना चाह रहा हूं मैं कि हम स्वरों के माध्यम से भी यही बात कर रहे हैं। तो हमको अगर संगीत सही में सीखना है, या सही में हम उसकी बारीकियों को समझना चाहते हैं, हाँ, अगर संगीत एंटरटेनमेंट के लिए है फिर बात अलग है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी करिए, लोग करते भी हैं। देखिए, दो टाइप का संगीत होता है, एक तो इसका पेट का और एक इसका। अब आप अपने आप ये डिसाइड करिए कि आपको किसका संगीत चाहिए। पेट से मतलब कमर्शियल, कमर्शियल मतलब आपको गाना है, पैसे मिलना है, पैसे आने हैं और गाना है, खत्म। उससे पब्लिक को कोई मतलब नहीं, पब्लिक की संतुष्टि से कोई मतलब नहीं, फील से कोई मतलब नहीं, इमोशन से कोई मतलब नहीं। एक होता है आत्मशांति के लिए, है ना, भाई आदमी जब गाता है तो खुश हो जाता है। और कभी कभी आपने भी देखा होगा, आप भी संगीत के विद्यार्थी होंगे, आप भी सीख रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो आप ये बस सोच के देखिए कि मान लो अगर आपके गुरुजी ने आपको कोई तान बताई या कोई आलाप सिखाया, और गलती से भी जब आप प्रैक्टिस करने बैठे हैं घर में, तो जनरली वो ठीक लगेगा नहीं जल्दी से, एक दो साल तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपको बेसिक का नॉलेज नहीं हो तो लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर लग गया गलती से भी, तो आपको कितनी खुशी होती है पता आपको, आप कितने खुश हो जाते हैं, अपने आप में कोई नहीं है आपके सामने बैठा हुआ। आपने कभी इस बात का आभास है आपको कि आप करने बैठे हैं प्रैक्टिस अकेले में अपने घर में, और गलती से कोई चीज सही निकल जाए आपके गले से, तो अपने आप को पीठ थपथपाने का मन करता है और आदमी 3 दिन तक खाना नहीं खाएगा, इतनी खुशी मिलती है उसको। और मिलनी चाहिए भी, क्योंकि वो काम ही ऐसा है। ये काम संगीत जो है, गाना स्पेशली, वो ऐसा काम है साहब कि लाखों करोड़ों में 2-4 लोगों को मिलता है नसीब, हर किसी को नसीब भी नहीं मिलता, हर किसी के नसीब में नहीं मिलेगा ये। अब लाख कोशिश कर रहे हैं। आज अभी बात चल रही थी, मेरे कुछ दोस्त लोग आए थे, वो चेन्नई साहित्य कला के जुड़े हुए लोग हैं, उसी लिए मैं 5-7 मिनट लेट हो गया। तो वो उनसे बात चल रही थी कि सर ये बताइए, उन्होंने पूछा कि सर संगीत सीखने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आदमी में, कौन आदमी संगीत सीख सकता है। मेरे साहब ये बारे में तो आप चर्चा ना करें, ज्यादा अच्छा है। क्यों?
क्योंकि संगीत का शौक लग गया और आपने संगीत सीखना चालू कर दिया और आपको संगीत आ जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं आएगा। जब तक आप संगीत में डूबेंगे नहीं, जब तक आपको अथाह समुद्र की तरह आपको शौक नहीं लगेगा, पागलपंती की हद तक आपको जाना पड़ेगा। सिर्फ शौक लगने से गाना आ जाएगा, इससे गारंटी नहीं है। तो मैंने उनसे बोला, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है आपके उसके संगीत को सीखने की कंडीशंस क्या है, कौन एलिजिबल है संगीत सीखने की। तो मैंने बोला कि साहब पहली कंडीशन तो यह है कि आपके जो फोर फादर्स हैं, मतलब जो आपके ग्रैंड पापा मम्मी जो हैं, उनको म्यूजिक का शौक होना चाहिए कम से कम, आपकी दूसरी पीढ़ी। फिर आपके जो फादर है या मदर है, उसमें से किसी दो में से किसी एक को म्यूजिक का शौक होना चाहिए, उन्होंने गाना सीखा हुआ होना चाहिए, फिर आपने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद आपके पापा मम्मी ने प्रॉपर टाइम पे, मतलब जो एक एज होती है बच्चों को सीखने की, 6-7-8 साल तक आपको एक प्रॉपर गुरु के पास भेजा। प्रॉपर गुरु मिलना भी एक नसीब की बात है, यह आम आदमी को नसीब नहीं होता। सही टाइम पर मिल जाए गुरु, सही गुरु, यह भी नसीब की बात है, और गुरु सही मिल जाए यह भी नसीब की बात है, यह भी हर किसी को नहीं मिलता। और आप सही टाइम पर अगर सही गुरु के पास चले गए और सही गुरु ने आपको सिखाना चालू कर दिया सही तरीके से, यह भी नसीब की बात, यह भी आम आदमी को नहीं मिलता, मतलब हर किसी को जनरली नहीं मिलता। और मिल जाए तो वो जो बच्चा गया सीखने के लिए वो 10-15 साल तक सीखेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आज का पेशेंस कहाँ है लोगों में। लोग तो चाहते हैं कि हम 3 महीने संगीत सीखें और थोड़े बाल, उसको क्या बोलते हैं, मुझे बोलना नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइक कट कुछ बोलते हैं बच्चे आजकल, स्पाइक कट, बाल कटाए, जींस की पैंट पहनी, यहाँ से पैंट फाड़ लिया, थोड़ा सा पैंट फटा हुआ होना चाहिए, वो कंडीशन है। यहाँ गिटार लटका होना चाहिए, गिटार अनट्यून होगा तो भी चलेगा, उसको कॉर्ड्स बजाना नहीं आता तो भी चलेगा, वो गिटार पकड़ लेगा, झिंग 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 करेगा, एक बार आ जा करके गाना खत्म। आप देखो वीडियो भरे हुए हैं यूट्यूब पे, जाइए आप देखिए, कोई गाना रिलीज हुआ कि उसके 50 आपको 100 आपको गाने गाते हुए मिल जाएंगे बच्चे, चाहे वो लड़की हो लड़का कोई भी हो, लेकिन कंडीशन उसकी वही है कि स्पाइक कट बाल कटे हो, पैंट फटा हो, यहां से गिटार टंगा हो, वो गिटार अनट्यून होना चाहिए, कॉर्ड्स एक ही होने चाहिए, एक ही कॉर्ड्स बजाता आएगा उसको, जिंग जिंग मई मई करेगा बस। तो अगर एंटरटेनमेंट के लिए आप गा रहे हैं सीख रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी है, फिर तो आप कुछ भी करिए, जो कर रहे हैं वो सब ठीक ही हो रहा है। जैसा आप सीख रहे हैं, जहां सीख रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं या नहीं भी सीख रहे हैं, तो फिर तो ठीक ही चल रहा है काम, कोई बुरा नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा दो टाइप का संगीत, एक जो कमर्शियल है और एक यहां के लिए आत्मा शांति के लिए। तो वहां का संगीत तो साहब थोड़ा डिफरेंट है, उसके लिए तो बड़ी लग भी चाहिए, गुरु का आशीर्वाद भी चाहिए, आपका मन भी चाहिए, आपकी आत्मशक्ति भी चाहिए, आपका मनोबल भी चाहिए, भगवान की कृपा भी हो जाए, ये सब चीजों को कॉम्बिनेशन हो जाए। फिर और एक और बात है इसमें कि आपने चलो सीख लिया, सब कुछ हो गया, आपके ग्रैंड फादर के पास संगीत था, फिर आपके पापा के पास आ गया, आप सही टाइम पे चले भी गए, सच्चा गुरु भी मिल गया, आपने 15-20 साल सीख भी लिया, उसके बाद भी आपका नाम हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं, ये फिर एक अलग खेल है। क्योंकि नाम होना लक है और नॉलेज आना एक अलग चीज है। मतलब आप ये सोच के ना संगीत सीखे कि साहब मैंने तो 3 साल सीख लिया अब मेरा नाम हो जाना चाहिए, मैं एक सेलिब्रिटी बन जाना चाहिए, वो तो नहीं होगा, और हो भी सकता है, दोनों बातें पॉसिबिलिटी है उसकी, लेकिन वो लक है।
आप एक सेलिब्रिटी हो जाओगे वो लक है, उससे नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। आज देखो बहुत सारे सिंगर आपको मिलेंगे जमाने में जिनको गाना बजाना कुछ नहीं है, जीरो है, लेकिन वो सेलिब्रिटी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट कई सिंगर ऐसे, कई गाने ऐसे हिट हो जाते जो पता ही नहीं चलता आपको, रातों रात मिलियंस व्यूअर्स मिल जाएंगे आपको। तो अल्टीमेटली बातें कहना चाह रहा हूं कि आप जब आप कमर्शियल सीख रहे हैं या आप अपनी आत्मा शांति के लिए सीख रहे हैं, या आप भजन सिंगर बनना चाहते हैं, या आप गजल सिंगर बनना चाहते हैं, या आप फिल्मी गाने गाना चाहते हैं, या आप क्लासिकल गाना चाहते हैं, ठुमरी, दादरा, कजरी, होली, मान, सूफी, जो आपको गाना वो गाइए। लेकिन साहब आप अगर ये सोचते हैं कि मैं बेसिक नहीं करूँगा और सुन के सीख लूँगा तो नहीं आएगा, पढ़ के सीख लूँगा तो भी नहीं आएगा, यूट्यूब का चैनल देख के सीख लूँगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि संगीत एक ऐसी विद्या है कि जब तक आप अपने गुरु के सीने बे सीने, उसको बोलते छाती के सामने छाती, आपकी छाती आपके गुरु के छाती के सामने ना होगी, आप उसके सामने नहीं बैठे होंगे, वो आपको नहीं डांट फटकारेगा, वो आपको नहीं समझाएगा, वो आपकी गलतियां नहीं निकालेगा, तब तक ये आने वाला नहीं है, ये नहीं आएगा। अगर संगीत सिर्फ सुनने से, पढ़ने से या यूट्यूब चैनल देखने से आ जाता तो सारे सिंगर बन जाते, सारे स्टूडेंट, किसी की जरूरत नहीं, कोई गुरु की जरूरत ही नहीं थी, किसकी जरूरत है फिर, वो तो गाओ मजे से सब गाएंगे, सब सिंगर बन जाएंगे, फिर सुनेगा कौन। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर सुनने से, पढ़ने से, देखने से कोई सिंगर नहीं बन सकता, ना आपको नॉलेज आएगा, आपको नॉलेज आएगा आपके गुरु से, और वो भी जब आप बेसिक करेंगे तब, क्योंकि पहली सीढ़ी तो वही है कि आपको सुर का नॉलेज आ जाए, आपको ताल का नॉलेज आ जाए। कई सिंगर मैंने ऐसे देखे, स्पेशली फिल्मी गाने वाले सिंगर जो फिल्मी गाते हैं, उनको अपनी गलतियों का भी एहसास नहीं होता, लेकिन वो कॉलर ऊपर करके गाते रहते और सोचते कि बस हम ही सिंगर हैं, कोई दूसरा सिंगर गा ही नहीं सकता। किसी किसी प्रोग्राम में आप चले जाओ, अगर चार पांच सिंगर बैठे हुए मान लो और सबका एक 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 बार टर्न आने वाला है गाने के लिए, तो कई सिंगर तो माइक भी दूसरों को नहीं देंगे गाने का। उसका रीजन ये है कि उनकी गलती नहीं है उसमें, और गलत गाते रहते हैं और पब्लिक भी उसको एंजॉय करती है, ऐसा नहीं पब्लिक नहीं एंजॉय करती, पब्लिक ताली भी बजाती है। अब कितना भी आप जब कोई संगीत में कोई विलक्षण काम करते हैं, कोई नया काम करते हैं, तो ऑडियंस आपको ताली बजाएगी, ऑडियंस को डर नहीं है, ऑडियंस आपको मिलेगी। आप कितने भी गंदा गाओ ऑडियंस ताली बजाएगी, क्योंकि ऑडियंस भी दो टाइप की होती है। कैसे? एक ऑडियंस होती है जो इंटरटेनमेंट के लिए आती है, अपना मनोरंजन करने के लिए आपके शो में बैठी हुई आती है, उनको गाने बजाने से कोई मतलब नहीं है ऑडियंस को, ना उनको समझता है, ना वो समझना चाहते हैं, ना उनको मतलब इस बात से, क्योंकि वो घर में बोर हो रहे थे, उनका पैसा है, आपका नाम है, आपके पास एक ब्रांड है, तो वो आपको सुनने के लिए आ गए, बस इतना ही। और डेढ़ घंटे बैठ के डांस वांस करके यो पो ऐसा कुछ कुछ करके चले जाएंगे वहां से, दैट्स ऑल, उनको कोई मतलब नहीं संगीत से, थोड़ा डांस कर लेंगे, मतलब वो इस पर्टिकुलर वो लोग आए हैं मनोरंजन करने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए। एक तो वो ऑडियंस होती है, और ऐसी ऑडियंस कितनी मालूम आपको, 80% जो संगीत के कॉन्सर्ट में सिर्फ मनोरंजन के लिए जाती है, उसको संगीत से कोई मतलब नहीं है उनको। और 20% ऑडियंस ऐसी होती है जो संगीत को समझना चाहती और अपना आत्मा की शांति रख करना चाहती है उसको सुन करके, तो ऐसी ऑडियंस बहुत कम है। तो रातों रात किसी को सेलिब्रिटी बनना इजी है, लेकिन उस 20% के लिए अपने आप को जिंदा रखना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, डागर बंधु को सब जानते हैं आप, उनके बारे में क्या बोल सकता कोई आदमी। चेन्नई में हमारे यहां
डागर बंधु का कॉन्सर्ट था, कितनी ऑडियंस थे मालूम आपको? 7 लोग थे टोटल, सिर्फ 7 पीपल्स। उसमें 2 तो ऑर्गेनाइजर ही थे, 1 मैं था, तो बचे कितने? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि संगीत को समझने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन हमको उन 20 लोगों तक ही पहुंचना है। वो 20 अगर सेटिस्फाई हो गए तो वो 20,000 लोगों के बराबर है। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा अगर 100 ऑडियंस हो तो 99 के बारे में बॉदर नहीं करना, एक आदमी जरूर सेटिस्फाई कर देना अपनी गायकी से, अपनी बातों से, जो आप गाते हो, जितना आपको नॉलेज है उसके हिसाब से। तो वो जो सिंगर है जो लाइव म्यूजिक गा रहे हैं, जो भी सिंगर है, अगर आप गा रहे हैं या बजा रहे हैं आज की डेट में, तो आप अगर कोई गलती करते हैं तो उसमें आपकी गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको बेसिक नहीं पता म्यूजिक का। अगर बेसिक पता होता तो आप गलती नहीं करते। जैसे एक पानी का गिलास है, मुझे पता है कि साहब उसमें मक्खी गिर गई है पानी में, तो मैं जानबूझ के पानी नहीं पीऊंगा। जब मुझे पता है कि मक्खी गिरना गलत बात है और मक्खी नहीं पी सकते आप, तो मैं उसको अवॉइड कर दूंगा, पानी दूसरा लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे नॉलेज है। तो जानबूझ के कोई आदमी गलती थोड़ी करता है। अगर आप गा रहे हैं और गलत गा रहे हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती इसलिए है, गलती इस बात की है कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है, आपने सीखा नहीं, आपको बेसिक मालूम नहीं, तो आप गा रहे हैं और गलती भी कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा, और आप कॉलर भी ऊपर कर रहे हैं कि साहब मैं ही गा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें गलत क्या है? क्या होता है, जैसे आदमी का नॉलेज बढ़ता है आदमी नीचे हो जाता है, सरल हो जाएगा। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे आप सरल हो जाओगे। जितना कम ज्ञान होगा उतना ज्यादा आप बोलोगे या बहस करोगे या आर्गुमेंट करोगे या उस बात पे आपको समझ में नहीं आएगी बात की कोई आदमी बोल क्या रहा है। तो अल्टीमेटली बात ये आती है कि अब मेरी आप सब लोगों से एक ये सलाह है छोटी सी, कि अगर आप कोई भी संगीत कर रहे हैं, चाहे वो इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, ये कमर्शियल कर रहे हैं, या आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं, आपको एक बेसिक चीज तो समझ में आनी चाहिए कि सब सुर क्या है, कैसे लगते हैं, कोमल गा कहाँ है, शुद्ध गा कहाँ है, क्या डिफरेंस है, दरबारी का गंधार कहाँ है, मल्हार का गंधार कहाँ है, दोनों कोमल है, कैसा लगाना। देखिए दोनों रागों का चलन सेम है, वो भी प गामा जैसा करके आती है, वो भी प गामा जैसा करके आता है, लेकिन गंधार कितना नीचे और कितना ऊपर, कैसे गाएंगे आप? और ये कौन बताएगा आपको? किताबों में तो है नहीं, किताबों में लिखा है कि दोनों गंधार अलग है बस, कैसे अलग है ये तो कोई गुरु ही बताएगा। इसलिए तो कहा कि गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं और नैनन को कैसे समझाऊं। संगीत एक ऐसा विषय है कि ये बिना गुरु के नहीं मिल सकता, नहीं मिलता है, और सुन के तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, पढ़ने से तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी एक और एक रिसेंट मैं आपको घटना बताऊं, जैसे कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है, जो मेरा कॉलेज है, वो एफिलेटेड है प्रयाग यूनिवर्सिटी से। मैं उसमें डिग्री और डिप्लोमा के वो एग्जाम होते हैं एवरी ईयर। अच्छा जी, तो एक बच्चा आया मेरे पास, मैं थोड़ा आर्गुमेंटल था, मुझे कहता कि सर चीटिंग हो सकती है क्या? मतलब जब थ्योरी का एग्जाम था मैं चीटिंग कर सकता हूँ? मुझे क्यों करेगा भाई, सर मैं पढ़ नहीं पाया, कुछ टाइम नहीं मिल पाया। मैं क्या काम कर, पहले मैं तो 5 क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर लिख ले किताब लिख के, घंटे दे पर 3 है। मैंने उसको 5 किताब दे दी, मैंने कहा 5 क्वेश्चन है आंसर लिख दे। 4.5 घंटे तक वो आंसर नहीं लिख पाया, ढूंढते ही रहा पेज, इधर से उधर पलटा रहा, उसको इधर पलटा रहा, फिर वो बुक खोल रहा, फिर ये बुक खोल रहा। मैंने क्या हुआ,
किंतु समझ नहीं आ रहा किधर है वो टॉपिक और कहाँ है वो टॉपिक। मैं तो बोलता मैं चीटिंग कर लूंगा। तो संगीत एक ऐसा विषय है कि साहित्य भाई उसको आप इस थोड़ी ऑर्डिनरी पढ़ सकते हैं। हाँ, आप ये मत समझिए कि संगीत साइंस है। संगीत साइंस नहीं है, ये आर्ट है। किसी ने पूछा कि सर साइंस और आर्ट में क्या फर्क है। सर साइंस तो मुश्किल काम है, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करना और ये सब करना। मैं सब देखिए सिंपल डेफिनेशन है, जो चीज समझ में आ जाए वो साइंस, जो समझ में ना आए वो आर्ट, जो समझाई जा सके वो साइंस, जो समझाई ना जा सके वो आर्ट। आप समझ रहे बात को मेरी? संगीत आप समझा ही नहीं सकते किसी को, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। संगीत में कोई प्रूव नहीं है कोई चीज। हाँ, 2 × 2 = 4 होता है, ये साइंस है। प्रूव कर सकते हैं आप, 1000 तरीके से बता सकते हैं कि सब 2 × 2 = 4, ओके डन। लेकिन मैंने आपसे बोला कि साहब एक काम करिए, सा गाइए। आपने गाया सा, मैं बोल रहा हूं गलत है। क्या कर लोगे आप बताइए? मैं आपका टीचर हूं, आप मेरी बेइज्जती भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, सपोज मैं आपका गुरु हूं तो मैं आप मुझे नहीं बोल सकते सर आप क्या बात कर रहे हो, मैं तो सही गा रहा था। आप ऐसा नहीं बोल सकते। अब मैं बोलूंगा गा गाओ, आपने गा गा दिया, मैं बोलूंगा गलत है। हो सकता आप सही भी हो सकता आप सही भी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं गलत है। अब आप पास क्या प्रूफ है? आप कैसे प्रूव करोगे उसको? कोई तराजू तो है नहीं आपके पास, कोई मेजरमेंट तो है नहीं कि आपने तौल लिया, देखिए सर मैं सही था आप गलत है। तो संगीत का कोई मेजरमेंट नहीं है, आप इसको नाप नहीं सकते, आप इसको तौल नहीं सकते। आपको सिर्फ समझना ही पड़ेगा, बस ये करने की विद्या है। आप जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा समझ जल्दी समझ में आएगा, और जितना शिद्दत के साथ करेंगे वो मेन चीज है। शिद्दत के साथ मतलब पूर्ण ईमानदारी के साथ, ऐसा नहीं कि आप कर लिया और हो गया। लोग बोलते सर मैं 1 घंटा रियाज करता हूं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों पड़ेगा भाई? रियाज करना जरूरी थोड़ी है। रियाज कैसे करना ये जरूरी है, कब करना ये जरूरी है, किस अंदाज से करना वो जरूरी है, किस मेथड को फॉलो करते हैं वो जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे बैठे रहे और आपने प्रैक्टिस कर ली। ना ना ना, इसका कोई थोड़ी मतलब है। एक बच्चा 12th के बोर्ड एग्जाम में बैठा, पूरे साल भर पढ़ाई करता रहा और फेल हो गया, तो फेल है वो। एक बच्चा पूरे साल भर वो भी 12th के एग्जाम में बैठा, हर दिन 1/2 घंटे प्रैक्टिस करता था, मतलब पढ़ता था, और 60% लेके आ गया। तो जो पास हुआ, जो 60% लेके आया, कम टाइम भी दिया, तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप 12 घंटे पढ़ दो, 10 घंटे रियाज करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? रियाज कैसे कर रहे हैं, कितना बेसिक नॉलेज के साथ कर रहे हैं, किस पैटर्न में कर रहे हैं और कितनी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, वो मायने रखता है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। पता नहीं कितने लोग हिंदी जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते, मैं तो पहली बार ही आपसे मिला हूं। लेकिन ये कि ये तय है कि संगीत को समझने के लिए आपको उसका बेसिक करना बहुत जरूरी है। उसका रीजन ये है कि आपको ताल समझ में आ जाएगी, आपको सुर समझ में आ जाएंगे, किस पैटर्न में गाना है, क्या राग का मूवमेंट है, कैसा उसका चलन है। उसके बाद आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं यू शुड बी बिकम ए क्लासिकल सिंगर, नो, क्लासिकल में गाने का नहीं बोल रहा हूं, मैं क्लासिकल का बेसिक समझने की बात कर। अगर आप बेसिक समझ जाते हैं तो आप उस राग को ज्यादा अच्छे से खिला सकते हैं, चाहे वो आप भजन गा रहे हो या गजल गा रहे हो या ठुमरी सिंगर हो या लाइट क्लासिकल गाते हैं
या क्लासिकल गाते हैं, जो भी आप गाते हैं, उसमें आपको बहुत यूजफुल होगा। अब एक छोटी सी बात है कि आपने यमन राग तो सभी लोग करते हैं, बेसिक राग है, सभी को सभी ने सीखा होगा, सभी को सीखना लोग सिखाते हुए उसी से हैं। तो आप यमन गा रहे हैं, मैं भी यमन गा रहा हूं, पंडित भीमसेन जोशी ने भी यमन गाया, बड़े गुलाम अली साहब भी गाए, वही सुर, वही ताल, वही कंपोजिशन, लेकिन उनका गाना ज्यादा अच्छा लगता, हमारा नहीं लगता, क्यों? सुर तो वही है, निरगम धनी सा, लेकिन उनका गाना सुनो तो सुनने का मन करता है, हम घर तुमको अच्छा नहीं लगता, ये क्या है? ये उनकी साधना है, ये उनका काम है, ये उनका बेसिक था, जो उन्होंने कैसे किया होगा भगवान ही जाने, हमने कैसा किया हम जानते हैं, आप कैसा कर रहे हैं आप जानते हैं। तो बेसिक का इतना महत्व है, बेसिक में जैसे आप ताल, सुर, अलंकार, ये सब चीजें बेसिक के अंदर ही आती है। यहाँ तो संगीत चालू होने के अभी चांस ही नहीं है, अभी तो आप चालू भी नहीं हुए, आप जस्ट बॉर्न बेबी है, तो जस्ट बॉर्न बेबी में ये सब चीजें आती है, तो लोगों को ताल का भी नहीं मालूम पड़ता, गाते रहते हैं, ताल कहीं जा रहा वो कहीं जा रहा, सुर कहीं जा रहा वो कहीं जा रहे, पता भी नहीं चलता कि हम गलत कर रहे हैं। अपनी गलती को पहचानने के लिए भी आपको बेसिक करना पड़ेगा। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स यू वोंट डू, यू कांट रिपीट। आपको पता ही नहीं चली कि आप गलत क्या कर रहे हैं, तो आप तो गलती करते रहेंगे ना। अपने आप की गलती को सुधारने के लिए आपको बेसिक का नॉलेज आना जरूरी है। अब जैसे कि मैं गा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, मुझे संगीत नहीं पता, मैं कोई गाना गा रहा हूँ, या मैं कोई फिल्मी गाना गा रहा हूँ, या कोई गजल गा रहा हूँ, कोई भी कोई क्लासिकल गा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि राग यमन कैसे जाता है, उसमें क्या ताल है, तो अब मैंने सुना था किसी यूट्यूब चैनल में कि साहब यमन राग का एरिया अली तीन ताल में जाते हैं, आपने सुना है? सीखा तो है नहीं आपने कहीं बेसिक, तो तीन ताल में गाना है सर, ठीक है, आपने तीन ताल लगा ली, लग गया तीन ताल, आप गा रहे हैं, ए रिया री पिया बिन, ए रिया, खाली भरी का पता ही नहीं है, मैं ताल से आउट गा रहा हूं, ये ताल से आउट है। अब बेसिक क्या है, जस्ट द मोमेंट यू सिंग रॉन्ग, आपको नॉलेज है, आपको पता है कि नहीं यार, गुरुजी ने तो बताया था कि ये कंपोजिशन खाली से चालू होती है, तो खाली मतलब क्या होता है, खाली मतलब नाइन्थ बिट, हाँ नवी मात्रा से इसको गाना पड़ेगा, अच्छा इसका सम कहाँ आता है, बोले ए री ए री अली पी, ओके पी पे समय, मतलब पी पे समय, मतलब पी एक पर आना चाहिए, ये नॉलेज है, ये बेसिक है। अब बेसिक में नहीं है तो तब गाते रहेंगे कहीं भी, कौन बोलने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई क्यों बोलेगा आपको, तो आप गा रहे हैं, ये तो हो गई क्लासिकल की बात। अब एक राग है यमन मान लो, और यमन में आपको बोला कि साहब एक आप फिल्मी गाने, आप फिल्मी सिंगर है मान लो, और आप गा रहे हो कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, ये क्या हो रहा है, आप सिर्फ फिल्मी गाने को गा रहे हैं जैसे आपने सुन लिया, ठीक है, आपको ये नहीं मालूम कि राग क्या है, इसका फील क्या है, किस इमोशन से जा रहा है, क्या सुर लगे हैं, इसकी लैंडिंग कहाँ है, इसका आस कहाँ है,
आस बोलते सस्टेन पावर को, इसकी आस कहाँ है, आप गाए जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा पता होगा, थोड़ा राग सीख लेंगे, थोड़ा बेसिक आ जाएगा राग का, कि राग का मूवमेंट ऐसा है, तो निरगर निर निरग पमग निर गमद निधनि स निर पम ग पे स निध निर गे स कभी कभी मेरे दिल में। देखिए फील ही चेंज हो गया, ख्याल आता है, पहले पहले है कैसा था, ख्याल आता है, अभी सस्टेन, क्योंकि आपको पावर पता है उसका, सस्टेन मतलब वो कैसे आस उसकी लैंड करेगी, वो कैसे बैंड करेगा, ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। अब जो मेरे लिए है ये कितना मुश्किल काम है, देखिए आप, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, लेकिन कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। आप अपने अपनी फील दे सकते हैं, आप अपना फील कर सकते हैं उस चीज को, और आप अपनी फील डाल सकते हैं उस गाने में, क्योंकि आपको बेसिक का पता है, आपको राग पता है, उसको राग का चलन मालूम है। मैं नहीं कह रहा आप यू हैव यू शुड बी बिकम ए क्लासिकल सिंगर, नहीं 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 नहीं, आप इतना तो सीखें कि राग का मूवमेंट क्या है, ताल क्या है, सुर क्या है, ताल कैसे जाएगी, सुर कैसे लगेंगे, राग का मूवमेंट क्या है, राग का फील क्या है, राग में रस क्या है, उस लिरिक्स में क्या है। कल मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, उसमें मैंने आलाप के बारे में बताया कि आलाप के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसमें मैंने ये बात कही कि आपको आलाप करते समय ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ आलाप आता है इसलिए आप आलाप कर दो, ना 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 ना, ना। आलाप को आपको सोच के करना पड़ता है, पहले आपका दिमाग काम करेगा, पहले आपको एक पिक्चर, उसके बाद आप उसको फील देंगे। ये एक छोटी सी बात है। अभी एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, बड़ा पॉपुलर गाना है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये बात कि अगर आपको सुर पता है, राग पता है, और आपको बेसिक थोड़ा सा पता है, तो आप अपने मर्जी से उसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको कॉपी करना है कि फिल्मी गाना सुन के जैसा सिंगर ने गाया हमको वैसा गाना है, वैसे आप गा भी नहीं सकते और गाना भी नहीं चाहिए। कभी किसी सिंगर को कॉपी नहीं करना चाहिए, और कभी किसी को अपने स्केल से ऊपर गाना भी नहीं चाहिए। जहाँ आपका स्केल हो उसी स्केल में गाइए, जहाँ आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि चिल्ला रहे चीख रहे, आवाज जा ही नहीं रही फिर भी चीखे जा रहे हैं। और आजकल तो बड़ा एक नया फैशन चला है कि सब अगर आप जितने ऊंची आवाज में गाएंगे उतने बड़े सिंगर, ऐसा नहीं है। आप अपने कंफर्टेबल जोन में रहिए, जो आपका रेंज, क्योंकि भगवान ने हमको जो गला दिया है वो उसकी कृपा है प्रभु की, कि उसने हमको ऐसा गला दिया, आपको भी दिया, मुझे भी दिया, सबको दिया, सबको अलग अलग क्वालिटी है गले की, कोई किसी से कम कोई किसी से ज्यादा नहीं है। बस समझने की बात यह है कि हमको अपने रेंज में रह के, अपनी चादर में रह करके उसमें खेलना है। कभी अपने चादर से ऊपर अगर आप पैर पसारेंगे तो पैर आपके बाहर ही जाएंगे। तो गला आपको भगवान ने दिया है, जितना दिया है उसी अपने रेंज में आप जो अच्छा कर सकते वो करिए। मैं नहीं कह रहा क्लासिकल गाइए, मैं नहीं कह रहा गजल गाइए, मैं नहीं कह रहा भजन गाइए, जो मन पड़े आप वो करिए, लेकिन अपने गले के रेंज में विद द नॉलेज ऑफ बेसिक फंडामेंटल ऑफ म्यूजिक। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था, एक गाना बड़ा फेमस गाना है, गोरी तेरा गाव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे आके यहाँ रे, बड़ा बड़ा फेमस गाना है।
अब मैं एक सिंगर हूं मान लो, और मुझे थोड़ा सा नॉलेज है बेसिक का, तो मैं सोचूंगा कि यार गोरी तेरा गाव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, तो बड़ा और मारा दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही फील दे रहे हैं। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सुरों का अगर थोड़ा नॉलेज है तो मैं यहां पे चेंज कर सकता हूं इस बात को। कैसे? गोरी तेरा गाव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। गोरी तेरा गाव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे। ये मेरा फील है, ये अपना फील है, आपका फील है, आप भी गा सकते हैं, कोई भी गा सकता है, एनीबडी कैन डू इट। अब एक और एग्जांपल दूं आपको, बड़ी फेमस गजल है, मैं फील की बात कर रहा था और आपको नॉलेज की बात कर रहा हूं, जो बेसिक आपको आ गया मान लो, तो यू कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। ख्याल आया तुमको देखा तो ये, ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बड़ी पॉपुलर गजल है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ये ख्याल कुछ डिफरेंट भी तो हो सकता है, ऐसी क्यों ख्याल है? और ये ख्याल तो जगदीश सिंह साहब का था, आपका क्या ख्याल है? ये गजल तो जगदीश सिंह साहब ने गाई, तो उनका ख्याल था, आप क्या कर रहे हो उसमें? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी बात भी कहनी चाहिए, आपका फील क्या कहता है? ख्याल आया, देखिए ख्याल, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल। तो ये मेरा ख्याल है, आपका कुछ ख्याल अलग हो सकता है, होना भी चाहिए, क्योंकि संगीत में दो चीजें, जब आप कहीं सीखेंगे और कहीं आप जब पढ़ेंगे या आपको एग्जाम देंगे तो दो चीज आपको और समझने को मिलेगी। दो वर्ड है, बड़ा सुंदर शब्द है वो, गायकी और नायकी, गायकी और नायकी, दो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। किताब में भी आपको क्वेश्चन भी आता है, गायकी मतलब, पहले आप नायकी सुनिए, नायकी मतलब सीधे सीधे शब्दों में हम नायकी कहते हैं कॉपी करने को, मैंने गाया एज इट इज आपने कॉपी कर लिया, या रफी साहब का कोई गाना है आपने एज इट इज सुन लिया और गा लिया, या अरिजीत सिंह का गाना आपने लिया, गिटार टांगा, बाल काटे, स्पाइक कट, पैंट यहां से फाड़ा, शर्ट थोड़ी छोटी पहन ली, कॉर्ड्स अनट्यून कॉर्ड्स में बैठे और गाने चालू कर दिए, तो आप कॉपी कर रहे हो, वो अलग खेल है। जो कॉपी आपने अपने गुरु से सीखा एज इट इज, जैसा आपको गुरु गा रहे हैं एज इट इज आप कॉपी कर रहे हैं, वो उसको बोलते हैं नायकी। लेकिन गायकी, आपने अपने गुरु से सीखा, फिर अपना दिमाग भी चलाया,
और अपनी सोच अपनी फील उसमें डाली उस गायकी में, और तब आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो है गायकी। तो संगीत में गायकी को इंपॉर्टेंस है, नायकी को नहीं। आप समझ रहे बात को? अगर आप किसी को कॉपी करते एज इट इज भी कर लेते हैं, मान लो रफी साहब को या मुकेश को या किशोर को या बड़े गुलाम अली साहब को या जगदीश सिंह साहब को, किसी को भी कॉपी कर लेते हैं, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली बड़ा काम वो भी है कि आप एज इट इज किसी को कॉपी कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन कॉपी फिर भी वो कॉपी ही रहेगी, उसी को नायकी बोलते हैं। लेकिन गायकी आपको प्रॉपर संगीत सीख करके अपनी फील अपने इमोशन और अपनी सोच को उसमें डालना पड़ता है, तब गायकी होती है। तो मैं आपका और समय नहीं लूंगा क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया मेरे पास, तो बहुत कुछ मैं तो बोलता रहूंगा ऐसे ही। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अगर सच्चे मन से संगीत को प्यार करते हैं और इसकी इज्जत करते हैं, तो प्लीज किसी अच्छे गुरु के पास जाकर के, अच्छी जगह जाकर के उसका फंडामेंटल जो है म्यूजिक का, और या म्यूजिक का जो बेसिक पार्ट है वो जरूर सीखें। भले आप कमर्शियल सीख रहे हैं, मतलब कमर्शियल बनने के लिए सीख रहे हैं, या मन की शांति के लिए कर रहे हैं, या जिसके लिए भी आप संगीत सीख रहे हैं, या शौक के कारण सीख रहे हैं, लेकिन जरूर करिए। और एक बार पुनः मैं पांडे जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सबका टाइम जो इतना लिया और आपने इतने प्यार से इतनी शिद्दत से सुना, उसके लिए भी शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं जानता हूँ बाकी जितने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जुड़े हैं उनको भी उतनी ही खुशी उतना ही संतुष्टि मिली है जितना एज अ स्टूडेंट मुझे भी यहाँ बैठ के मिली है। एंड मैंने एज अ स्टूडेंट ही आपकी क्लास अटेंड करी है, एंड मुझे वाकई बहुत कुछ जानने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है इससे, एंड आई नो बाकी सबको भी मिला है। एंड सभी से मुखातिब होकर मैं यही कहूँगा कि जो जो बातें सर ने बताई हैं यहाँ पर, मतलब वो सारे संगीत के सच ही इन्होंने बोले, कुछ भी ऊपरी सतही बात नहीं थी, सारी गहरी और सत्य बातें ही बताई इन्होंने, और रचना की तरफ जो है आपको इन्होंने प्रेरित किया है, न कि रटने के तरफ, है ना। जैसा कि ये संगीत प्रभाव वर्ल्ड का भी मकसद है कि हम आपके अंदर से संगीत को उपजाएं, न कि रटवाएं आपसे, और वही मेरे ख्याल से सर की बातों से ये चीज़ साबित हुआ कि यही इनका भी मकसद है, और यही सच्चे संगीत का, शास्त्रीय संगीत का यही मतलब है, है ना, कि किस तरह से आपको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं, वो सर ने अच्छे से डिटेल में बता दिया, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार यहाँ स्क्रीन शेयर करके सर के चैनल का भी थोड़ा सा एक ग्लिम्स देना चाहूँगा, आई होप सभी को नज़र आ रहा होगा। आप सभी इस चैनल को भी चेकआउट करें, जैसे कि सर ने थोड़ा सा जिक्र किया भी था शुरुआत में कि उन्होंने जो आलाप के ऊपर एक वीडियो दिया, एरियाली यमन के ऊपर उन्होंने वीडियो दिया हुआ, बेसिक राग इन्होंने सिखाई हैं, सारी क्लासेस सर की चलती हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को भी चेकआउट करें। एंड बहुत मेहनत से और बड़ी डिटेल से सर सबके लिए ये संगीत की शिक्षा ला रहे हैं, एंड सर की अकेडमी भी है ही है। और सर मेरी तरफ से और बाकी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी यही एक दरख्वास्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि संगीत प्रवाह वर्ल्ड का ही एक सिस्टर चैनल है संगीत धरा, और हमने ये चैनल भी इसीलिए बनाया और ये ऐप भी इसीलिए बनाया ताकि सभी को सिखा सकें, सो हम सब की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जैसे कि आज आपने एक सेशन लिया, खैर ये तो आपकी एक भलमनसात है कि आपने ये फ्री सेशन लिया है, पर हम सभी चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ऐप है जहाँ पर हम डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट जॉनर के हम अपॉइंट कर रहे हैं, साथ में एक टीम बना रहे हैं जो कि वाकई जो सच्चा संगीत है उसको प्रमोट करें, ना कि रटने के प्रति कि सिर्फ गाने सिखा दिए चार, या फिर चार चीज़ें रटवा दी चार, है ना, बातें बता दी और वो किताबी ज्ञान दे दिया, और वो ना कि आपके अंदर से उपजाया कि नहीं तो नया क्या हुआ, वरना वही चार गाने आपने गाए वही तो पुराने गा दिए, तो वो डेवलप क्या हुआ, है ना। तो आपकी बातों से सभी को ये मालूम चल गया होगा कि आपकी भी वही सोच है, वही नज़रिया है संगीत को लेके जो मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी का है। और यही होता है कि जब सेम थॉट वाले नो एक जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है तो सेम थॉट वाले ही लोग जुड़ते हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, एंड आई नो बाकी सबको भी खुशी हुई होगी। तो हम सब की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस ऐप पर कुछ क्लासेज आप ले सकें इसी तरह, और मैं चाहूँगा कि वो पेड स्टूडेंट्स की क्लासेज हों तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें चुनिंदा बच्चे आएंगे और वाकई ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जो संगीत सीखना चाहते हैं, जो एज अ हॉबी नहीं इसमें एक पैशन हो, जिसको जिसमें ज़िंदगी ये बनाना चाहते हों, है ना। जैसा कि मैं आप सारे अपने स्टूडेंट्स को कहता ही हूँ कि जो जिंदगी बनाना चाहता है संगीत से, वो संगीत को ज़िंदगी बना ले, तभी जाके उसकी लाइफ जो है म्यूज़िक में तब्दील हो पाएगी, है ना। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, मेरे फादर आपसे बात कर लेंगे बाकी डिटेल्स में, आप जब भी आपको समय हो, आई नो आप ऑलरेडी बहुत बिजी हैं, आपका चैनल है, आपकी क्लासेस, आपकी एकेडमी है, तो जाहिर है आपके पास उतना वक्त नहीं होगा, मगर जितना भी वक्त आप
हाँ जी, हाँ श्योर श्योर सर, जी जी सर, जी सर। सो एक बार मैं सभी के माइक यहाँ पे ऑन करना चाहूँगा, जो भी आप सर से थोड़ी बहुत बातचीत, बिकॉज टाइम तो हो गया, हम और ज़्यादा नहीं लेंगे सर का समय, पर पांच लास्ट फाइव मिनट्स आप जो भी बातचीत करना चाहें या धन्यवाद आप तहे दिल से जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं आप सभी के माइक ऑन यहाँ पे कर रहा हूँ, एक एक करके आप बोल लीजिए जिसको भी बोलना है, प्लीज सब एक साथ मत बोलिएगा, नहीं तो जाहिर है किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। बोल रहा हूँ जी, रमेश जी, रमेश जी आप बताइएगा। प्रश्न है कि क्लासिकल सीखने में सबसे पहले क्या शुरुआत कैसे करनी चाहिए? सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, सवाल वगैरह और कुछ मत लीजिए, बिकॉज मेरे ख्याल से सर ने ऑलरेडी बहुत कुछ समझा दिया है, बता दिया है, तो आई डोंट थिंक कि अभी और गुंजाइश बची है। जो भी नेक्स्ट सवाल होंगे वो हम बाकी सेशंस में ज़रूर लेंगे, क्योंकि समय सीमा भी है तो, है ना, तो सवाल ना रखें, पर अपने आपको क्या लगा इस सेशन के बारे में वो ज़रूर आप बता सकते हैं। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बहुत बढ़िया लगा है और आशा करता हूं कि वो हमें जल्दी जल्दी भविष्य में ऐसे ही कथन सुनाते रहें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हरिओम बहुत जी, रंजीत जी, हाँ जी आप बोलिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद एंड वी आर वेरी लक्की टू हैव दिस नॉलेज सेशन। And I was really, मतलब, very impressed the way he defined the science and art. That exactly. was excellent and it had given a new, मतलब, vistas to us. Yes, sir. And we are very blessed and we hope in future even we will have him in our station, sir. Thanks a lot, sir. Wish you all the best. जरूर हम नेक्स्ट सेशन जल्द ही रखेंगे एंड उसमें सर हमारे साथ जुड़ेंगे, तो तब ज़रूर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे और बातों पर बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि आज उतना वक्त नहीं है, एक घंटा हो गया है, ओवर ऑलरेडी ऊपर भी हो गया है, तो हम नहीं चाहेंगे कि उसको और बढ़ाया जाए, समय का भी ख्याल रखा जाए। नेक्स्ट फिर जुड़ेंगे और फिर आपके सवाल होंगे, सर के जवाब होंगे, सर का एक्सप्लेनेशन होगा और हम और चर्चा करेंगे, और अब तो सर जुड़ गए तो हम चाहेंगे कि अब रेगुलर हम लोग जुड़े रहें एंड एक जो ये क्या बोलते हैं, एक यही संगीत है कि यू नो उस संगत का ही नाम संगीत है, तो अच्छे गुरुओं की, अच्छे कलाकारों की संगत मिले तो और क्या ही चाहिए। सर सभी की तरफ से, संगीत प्रभावल की पूरी टीम की तरफ से, मेरे पिता गुरु की तरफ से और संगीत की तरफ से आपका शुक्रिया सर। चलिए सभी से विदा लेते हैं एंड नेक्स्ट सेशन में ज़रूर हम सभी मिलेंगे, सभी को शुक्रिया।